शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव, और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया, आवश्यकता पड़ी डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था, सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था, बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए, हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है कि पहले कभी हम देखते थे कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंट्रल हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है, वैसे उनको सदन में आने की आदत होती है। इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते भी मन करता है जरा चलो एक चक्कर काट ले, आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व तो नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है, ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, पचासों। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया, और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे, और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है, इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया,
और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवीय का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। यहां जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति और हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सबके संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे, ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री, उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब साथ आ बुलेटिन में हाल रुकाइए, नानकड़ा ब्रेक में आप जो तरह संदेश न्यूज़।